नहीं देखो क्या है एक्चुअली, आज चीन अपनी जगह पे है। चीन अपने बारे में सोच रहा है कि उसको विकास करना है, वो पाकिस्तान से भी जुड़े या इंडिया से जुड़े। लेकिन शिवसेना जो बोल रही है कि पाकिस्तान छुरा खोपरा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर किसी के साथ रहना चाहती है, देश का विकास करना चाहती है। पाकिस्तान आए या दूसरा कोई, दूसरा कंट्री से कोई आए, उनको ना तो नहीं बोल सकते कि भाई आप हमारे कंट्री में मत आइए, बात मत कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि चीन पाकिस्तान को दे रहा है या नज़दीक कर रहा है, या इंडिया को नज़दीक कर रहा है। वो दोनों के भी नज़दीक करेगा। जो डेवलपमेंट के जो पार्ट्स है, किससे टाइप करना है, वो चीन देखेगा। तो शिवसेना बोलेगी, कांग्रेस बोलेगा, या अदर कोई पार्टी बोलेगी कि किसके पीछे कौन छुरा खुपस रहा है, वो ऐसा नहीं है। मेन ये है कि डेवलपमेंट के जो भी प्लान्स है, वो सैंक्शन कौन करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो पॉलिटिक्स है, मत बोलो किस बात का है। एक्चुअली मोदी जा रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं ना। अपना लेसन हर एक से अच्छा होना, बरसने की इसमें कोई बात ही नहीं है, नथिंग रॉन्ग। सबके साथ मिलजुल के रहना, वो सबसे बड़ी बात है। अभी उसने बोला कि हाँ, मतलब हम चीन के साथ समझौता करेंगे, उसके साथ समझौता करेंगे, सबके साथ समझौता करके रहेंगे तो ही देश आगे जाएगा। चीन धोखेबाज है अभी, लेकिन सुधरने की आशा है उसकी। अगर उसे लगा इंडिया से फ़ायदा है तो सुधरेगा धीरे धीरे। जो पहले का इतिहास जो बता रहा है, जो पहले का इतिहास क्या बता रहा है कि चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई करके धोखा दिया था इंडिया को, बराबर है ना। तो उनका साइकोलॉजी पहले से ही वैसे ही है कि धोखा देना। और जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है यहाँ पे, मालूम है, वो भी एक तरह से गलत ही है। क्योंकि एक अभी चीन का जो पूरा ये यहाँ पे क्या बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, वो एक तरह से मेरे को गलत लग रहा है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, वैसे ही ये अपने पैर जमाएंगे यहाँ पे।